थंबनेल YouTube का एक ऐसा फीचर जो किसी भी वीडियो को जीरो से हीरो बनाने की पावर रखता है। ये वीडियो मेन टेक कैटेगरी चैनल्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और सेम टेक्निक अदर कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, पॉडकास्ट, सॉन्ग, व्लॉग्स, etc. इसमें मैं तुमको बताने वाला हूँ दो मेन पॉइंट जो किसी भी थंबनेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ बहुत ही नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादातर लोग इसी दो पॉइंट्स में ही गलती करते हैं, जिससे उनके वीडियोस पर CTR यानी क्लिक थ्रू रेट इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। जैसे मेरा एक और चैनल है विथ ओवर 1000 सब्सक्राइबर्स। ये देखो गाइस, 1000 सब्सक्राइबर्स में ही ज्ञान पेर नहीं आ गया। अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम यही पे ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। As simple as that. Only size matters. I mean experience matters. हाँ, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी जैसे तुम्हारे सामने दो डिफरेंट थंबनेल्स दिख रहे हैं, अब तुम ही बताओ भाई इसमें से कौन सा थंबनेल तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग लग रहा है, ये जिसमें ढेर सारे टेक्स्ट भरे पड़े हैं या फिर ये जिसमें गिनती के सिर्फ दो वर्ड्स ही हैं। तुम में से ज्यादातर लोगों ने ये वाला ही सिलेक्ट किया होगा, राइट? तुमने भी कई सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल्स ऐसे ही देखे होंगे, लाइक एलग्रो एंड कुछ और भी चैनल्स हैं जिनके थंबनेल्स तुम्हें सिमिलर टाइप के एकदम सिंपल देखने को मिल जाएंगे और उनके व्यूज भी अच्छे खासे आ जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये थंबनेल्स इतना सिंपल होने के बाद भी इतने अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं? द आंसर इज, ये इतने सिंपल हैं तभी इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। भाई ये थंबनेल पर 10 किलो टेक्स्ट डालने वाला जमाना गया। अब थंबनेल्स को जितना सिंपल रख सकते हो उतना ही सही है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम अपने थंबनेल को सिंपल रखें। इतनी देर से और क्या बोलूं, मतलब एकदम सिंपल रखें। हाँ, मतलब एकदम सिंपल। अबे हाँ हाँ, ये देखियो थंबनेल, एज सिंपल एज फक। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो सिंपल जो रखा है। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पर जो है कलर कॉम्बिनेशन। यही वो चीज है जो तुम्हारे थंबनेल्स को मोस्ट अट्रैक्टिव भी बना सकती है और अनअट्रैक्टिव भी बना सकती है। आइए टट्टी टट्टी क्या कर रहा है? Like, अगर मैं येलो बैकग्राउंड के साथ ग्रीन या रेड यूज करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, और वहीं अगर डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ येलो ग्रीन या रेड का यूज करूं तो फर्क एकदम साफ है। और इससे तुम्हें एक सेंस तो मिल गया होगा कि किस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। और अब आते हैं दूसरे मेन पॉइंट पर जो है टेक्स्ट फॉन्ट्स। सी, अगर तुमने कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे से कर लिया और तुम सही फॉन्ट नहीं लगा पाए तो फिर भी तुम्हारे थंबनेल्स अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। हर एक फॉन्ट्स के अंदर उसका एक अलग मीनिंग छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम टेक वीडियोस के थंबनेल में फंकी फॉन्ट्स डाल दो लाइक दिस, तो इन थंबनेल्स को देख के जेन्युइननेस एंड सीरियसनेस फील भी नहीं होता ब्रो, जिसका सीधा इफेक्ट CTR पे जाता है। और मैं बता दूं, टेक कैटेगरी में मैक्सिमम सिंपल एंड बोल्ड फॉन्ट्स यूज होते हैं लाइक दिस। जो न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा ये सब प्रॉपर्ली समझने में, जो कि कॉमन है। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली थंबनेल एडिटिंग ट्यूटोरियल ऑन मोबाइल, सो डू सब्सक्राइब टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ new interesting videos, and video ko like kar dena. Milte hain next video mein. Thanks for watching.